Bismillahirrahmanirrahim. alaikum dear students. My name is Aisha Saleem. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start the lecture number one of our new chapter that is about respiratory system. In today's SLO, we are going to cover this system and the major organs that are involved in this system like trachea, lungs, and alveoli. Before starting our lecture, let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that according to you. सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ कैसेज इन ह्यूमन बॉडी वेरी गुड वी नो दैट रेस्परेटरी सिस्टम इज द ओनली सिस्टम दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ कैसेज अब मुझे बताइए कि फर्स्ट करें आप बहुत तेज भाग कर अगर आपने वक्फा लिया है तो उस दौरान आपकी बॉडी का ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा होता है तो मुझे बताइए कि ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि आपकी ब्रीथिंग को नॉर्मलाइज करने में या इस प्रोसेस के अंदर ब्रीथिंग के अमल को सर अंजाम देते हैं वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स हम अपने आज के लेक्चर में इन्हीं ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे बट फर्स्टली फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द टर्म दैट वाट इज ब्रीथिंग कीप इन माइंड दैट ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ये एक ऐसा अमल है जिसके तहत हम बॉडी के आ, हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं और इस सांस लेने और बाहर निकालने के अमल को हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का नाम देते हैं अब हम चलते हैं और याद रखिए कि ये प्रोसेस ब्रीथिंग का जो अमल है वो किसके ज़रिए कंप्लीट होगा किसके जरिए एकम्प्लीस्ट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से अकम्पलिश्ड होगा तो डियर स्टूडेंट हम यही रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि हवा को एक सिरे से हमारी बॉडी के इसी ऑर्गन सिस्टम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने का और इसको वापस एक्सपेल आउट करने का काम सर अंजाम देता है और अभी हम इन्हीं ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे फर्स्टली हमारे पास अगर देखें तो सबसे पहले जो रीजन आता है वो है नेज़ल कैविटी का या अगर एक्सटर्नल हम इसके इस ऑर्गन को देखें तो हम इसको नोज़ कहते हैं तो बेटा याद रखिए कि हमारे पास जो नेजल कैविटी है या जो नोज़ है उनके अंदर नेज़ल हेयर्स मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये पैथोजेंस को या डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती हैं इसके अलावा इसमें म्यूकस मौजूद होता है जो कि हवा को वार्म करता है कैन यू टेल मी दैट वट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉम द एयर बिफोर इट एंटर्स इन टू आवर सिस्टम

जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम एपिग्लोटिस का नाम देते हैं क्या आप एपिग्लोटिस के बारे में कुछ जानते हैं वेरी गुड एपिकलॉजिस हमारे पास एक ऐसा मस्कुलर फ्लैप है जो कि इन्हेलेक्सीशन के, इन्हेलेशन, इन्हेलेशन के दौरान हमारे ऐसे फेगर्स को जिसको हम फूड पाइप कहते हैं उसको क्लोज रखता है ताकि ये प्रोसेस इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सर अंजाम दिया जा सके मजीद आगे हम मूव करें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फेरिंग्स फर्दर डिवाइड होगा एक लंबी सी ट्यूब में जिसको हमने ट्रैकिया का नाम दिया लेकिन इसी ट्रैकिया की बिगनिंग को हम नाम देते हैं लरिंग्स का जो कि विंड पाइप की तरफ मूव करती है विंड पाइप की तरफ आगे ये पाइप जाता है अगर ट्रैकिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रैकिया में हमारे पास म्यूकस आप देख सकते हैं कि म्यूकस और सिलियम मौजूद होते हैं जो कि टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनका मेन फंक्शन ये है कि ऐसे एयर के पार्टिकल्स जो कि निजल कैविटीज में ट्रैप नहीं हो सके वो ट्रैप किए जा सके ठीक है और क्लीन एयर को आगे लंग्स की तरफ भेजा जाए कि हमारे पास फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंकाई में जो कि अपने साइड वाले लंग्स में एंटर हो जाता है वी नो दैट वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स यानी हमारे पास दो लंग्स मौजूद हैं एक पेयर मौजूद है लंग्स का और ये एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हर साइड पे हर साइड के लंग्स में एक ब्रोंकाई एंटर होता है और यही ब्रोंकाई अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हर ब्रोंकाई मजीद फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है और इन्हीं ब्रांचेस को हम नाम देते हैं फर्दर uh, ब्रोंकियल्स का एंड दिस एंड इन एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नेम्ड एज एलव और अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो आर दिस एलव और एयर सैक्स आर सराउंडेड बाई अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स दिस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स Uh, जो ये जो नेटवर्क है ये आसानी पैदा करता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल किया जा सके और ऑक्सीजन को इन किया जा सके डिफ्यूज़ इन एंड डिफ्यूज आउट इस काम को सर अंजाम देने के लिए हमारे पास ये एल्बलाए और ये ब्लड वेजल्स बहुत ज़रूरी हैं नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन यू कैन ईजिली ओपन दिस एनिमेशन बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन तो डियर स्टूडेंट्स हम एक एनिमेशन के, के ज़रिए से इसको देखते हैं अगर आप देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है रेस्पायरेटरी सिस्टम का ठीक है और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए अभी हमने डिस्कस किया कि हम ब्रीथ इंग या ब्रीथ आउट का काम चरंजाम देते हैं अगर मज़ीद आप इसको गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये सिस्टम आ, स्टार्ट होता है वो होता है नेजल कैविटी से और अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करूँ इस नेजल कैविटी को तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर है नेजल कैविटी का रीजन है वो ये हमारे पास ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर से ऊपर होगा दैट वन ये हमारे पास नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर होगा और यही नेजल कैविटी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आगे किस स्ट्रक्चर की तरफ जाएगी वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये फर्दर आगे जाएगी फेरिंग्स में, जो मर, फर्दर आगे डिवाइड होगा टू पाइप में फर्स्ट पाइप को हमने नाम दिया ट्रेकिया का सेकेंड पाइप को हमने नाम दिया टेलमी दैट विच पाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देंज ऑफ विंड वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स विन ऑफ दट ट्रैकिया इज नोन एज विंड पाइप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज और आप जानते हैं कि इसी जगह पे हमारे पास एक मस्कुलर फ्लैप मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस का क्या आप एपिग्लोटिस को हाईलाइट -right कर सकते हैं वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मस्कुलर फ्लैप है एपिग्लोटिस जो कि ओइसोफेगस को क्लोज रखता है आप गौर से इस पिक्चर को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए दैट एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप दैट closes the oesophagus during exchange of gases very good आगे हम मूव करते हैं अपने फर्दर स्ट्रक्चर की तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर आगे डिवाइड हो रहा है ट्रेकिया में ट्रेकिया में ये स्ट्रक्चर डिवाइड होगा जो कि फर्दर आगे डिवीजन देगा टू साइड्स में जिनको हमने ब्रोंकस का या ब्रोंकाई का नाम दिया और यही ब्रोंकाए आप देख सकते हैं कि फर्दर आगे डिवाइड हो रही हैं फर्दर ब्रांचेस में जिनको हमने ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया और यही ब्रोंक्यूल्स स्टूडेंट्स हमारे पास एंड होती हैं टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम एलव का नाम देते हैं या जिसको हमने एयर सैक का नाम दिया और यही एयरसेक हमारे पास फर्दर सराउंडेड होते हैं ब्लड वेजल्स में जो कि ऑक्सीजन की डिफ्यूजन में मदद देते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये ब्रोंकाय है जो कि एंड हो रहा है एक एयर एक लाइक स्ट्रक्चर -like में जिसको हमने एलवलाय का नाम दिया और यही लाइक स्ट्रक्चर -like हमारे पास ब्लड वेजल्स के घेराव में है दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड वेजल्स और यहाँ पे हमारे पास होती है गैशियस एक्सचेंज ये यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट होगी और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन होगी इसको मज़द अगर हम बेहतर तरीके से समझें तो हम ब्लड कैपिलरीज के अंदर का हिस्सा भी देख सकते हैं आप गौर करें तो आपको यहाँ पे फील होगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल आउट हो रही है सॉरी ऑक्सीजन uh, जो है वो ब्लड में शामिल हो रही है ताकि वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो रही है ताकि हम दोबारा से इसी प्रोसेस के ज़रिए से हम उसको अपनी निज़िल कैविटी के ज़रिए अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर सकें तो ये था हमारा स्ट्रक्चर जिसको हमने इस एनिमेशन के ज़रिए से समझा आप इसको दोबारा से लिंक को ओपन करके इसको अपनी एनिमेशन को ऑन करके ख़ुद बेहतर तरीके से भी इसको देख सकते हैं अब हम चलते हैं अपनी पावर पॉइंट की तरफ जहाँ पर हम अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम अगर समराइज करें तो आज हम देखते हैं हमने क्या सीखा फर्स्टली हमने सीखा नेजल हेयर्स के बारे में हमने कहा कि ये वो ऑर्गन है जो कि एयर को वॉर्म रखता है जस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है इसके अंदर नेजल हेयर्स मौजूद होते हैं या फिर म्यूकस मौजूद होगा सेकंड हमने देखा फेरिंग्स के बारे में हम मैंने आपको बताया कि नेजल कैविटी आगे एक कॉमन कैविटी में ओपन होती है दैट इज ने एज फेरिंग्स एंड दिस इज द एरिया दैट इज कॉमनली शेयर्ड बाई टू एरियाज दैट इज बाय टू सेक्शन दैट इज फॉर फूड एंड फॉर एयर और यही आगे डिवाइड होगा और हमें देगा विंड पाइप एंड फूड पाइप लेकिन हमारा बेसिक कंसर्न था, था ब्रीथिंग के साथ तो हम गए ट्रैकिया की तरफ दैट इज द विंड पाइप जिसकी को जिसके ओप uh, सबसे फर्स्ट uh, सिरे को हमने लरिंग्स का नाम दिया और लेरिंग्स इज द एरिया दैट फर्दर लीड्स टू विंड पाइप दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया एंड दिस ट्रैकिया इज लाइंड विद सिलिया एंड न्यूकस विटी फर्दर हमने देखा कि ये ट्रैक या अपने साइड वाले ब्रोंकाय में डिवाइड होकर अपने साइड वाले लंग्स एंटर होती है जहां पर यह ब्रंकाय फर्दर डिवाइड होंगे ब्रोंक्यूल्स में दैट एंड इन एन एयर शैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ने And these alveoli are surrounded by a network of blood vessels that are that helps in the diffusion of carbon dioxide and oxygen. Or we know that carbon dioxide diffuses out, hoti hai, oxygen diffuses in. Hoti hai. So that's all about today's lecture that we just studied, that we just learned. अब इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्क्रीन पे नजर आने वाले इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए तो डियर स्टूडेंट पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो वेरी गुड नाउ लेट्स मूव फर्दर दैट इज योर होमवर्क आप अपने इस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार करेंगे जिसमें आप पूरा एयर का पैसेज जो है वो ड्रॉ करेंगे फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्वेलाई बिल्कुल वही पैसेज जो हमने अभी स्टडी किया मुझे उम्मीद है कि बसानी आप इस फ्लो चार्ट को ड्रा कर सकेंगे इनशाला इन द नेक्स्ट नेक्स्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेकेजम ऑफ दैट हाउ आवर बॉडी एक्सहेल और इनहेल एयर डियर स्टूडेंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज